हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम कुट्टू के और आलू के परांठे बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने कुट्टू लिया है, ये आधा पैकेट मैंने कुट्टू डाल लिया है। इसमें करीब 6 परांठे बन जाएंगे। और अब मैं आलू लूँगी। ये मैंने आलू उबाल कर और छील कर रखे हुए हैं। तो ये 11 आलू मैंने छील कर रखे थे, लेकिन इसमें से मैं आधे आलू यूज़ करूँगी। मतलब आप मानिए कि 6 आलू के आसपास आप यूज़ कीजिएगा। और मैंने इसमें सेंधा नमक मिलाया है स्वाद अनुसार। और अब काली मिर्च मिला रही हूँ मैं इसमें। जैसा आपका टेस्ट हो आप उसी हिसाब से डालिएगा। मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च अगर आप खाना चाहें तो डाल सकते हैं, ना खाना चाहें तो आप हरी मिर्च ना डालिए, केवल सेंधा नमक और काली मिर्च डालिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम अपना आटा मलते हैं ऐसे ही इसे मलेंगे, पर इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ये बिना पानी के हमारा आटा ऐसे ही मल जाएगा, क्योंकि आधा आटा लिया है मैंने पैकेट का और 6 आलू लिए हैं, तो ये आटा हमारा ऐसे ही मल जाएगा। इसे धीरे धीरे आलू में मिक्स करते रहिए और हथेली से प्रेशर देकर इसे मथते रहिए, तो हमारा आटा ये बड़े आराम से मल जाएगा। और फिर हम उसमें तेल डालेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें तेल डाला है। अब तेल से हम इसे मुलायम करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना कि हमारा आटा बिना पानी के ही ऐसे ही कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डालूंगी, 1 चम्मच के करीब, जितना मैंने पहले डाला था। अब तेल डाल के अब मैं इसे फिर से गूंथूंगी। और उसी से देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो जाएगा पराठे बनाने के लिए। हम अच्छे से इसमें हथेली से प्रेशर देकर इसे मथते रहेंगे, तो हमारा आटा बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये पराठे बनाने के लिए। देखिए आटा कितना अच्छा हो गया है। हमारा आटा तैयार है पराठे बनाने के लिए। अब हम एक पेड़ी बनाएंगे आटा लेकर। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, जिससे कि पेड़ी आराम से बने। तो हम इसकी पेड़ी बनाकर और हथेली उंगलियों से इस पर प्रेशर डालकर हथेली पर रखकर इसे पराठे को बेलेंगे। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा तेल चकले पे रख के इसे चकले से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि अगर आप बिना हाथों से बेले इसे चकले पे रखकर बेलेंगे तो ये टूट जाएगा। थोड़ा सा पहले आप हाथों से करें, फिर उसके बाद आप चकले से बेलें, तो ये बहुत अच्छे से बेलेगा। देखिए हमारा ये पराठा बेल गया है। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे और गैस तेज रखेंगे। और जब ये एक साइड से हो जाए तो हम इसे अपना पलटे से पलटेंगे। हाथ से नहीं पलटना, क्योंकि हाथ से वो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए आप पलटे से पलटें। ये मैंने पलट दिया है। अब मैं इस पर तेल लगाऊंगी, और ये तिल का तेल है। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। जब हमारा ये पराठा अच्छे से सिक जाए, इसे पलटे से थोड़ा दबा दबा कर इसे सेकते रहिए, जिससे कि ये कच्चा ना रहे। और जब ये अच्छे से सिक जाए तो आप ये पराठा तवे से उतार लीजिए। मैं इसे दोनों साइडों से अच्छे से पलट पलट कर सेक रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे ठीक से नहीं सेकेंगे तो कुट्टू थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो इसलिए आप दबा दबा के उसे अच्छे से
तेल लगाकर सेकते रहिए। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से सेक रही हूँ, इसीलिए मैंने सेकने की वीडियो ये पूरी ही बनाई है। मेरा पराठा थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं सिक रहा है। मेरा पराठा ये सिक ही गया है, अब हम इसे उतार लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। पेड़ी लेंगे, हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया, और फिर से इसे हाथ की हेल्प से हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद फिर हम चकले पर तेल लगा के वापस ऐसे ही बेलेंगे। इसी तरह से आप अपने सारे पराठे बना लीजिए, और ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें दही के साथ खाइए, या आलू की सब्ज़ी बनाइए, या घी की सब्ज़ी बनाइए। और इसी तरह से हम एक एक करके अपने सारे पराठे बना लेंगे। ये पराठे बहुत ही इजी बन जाते हैं और अच्छे लगते हैं। ये हमारे पराठे बन गए हैं। अब ये मेरे काना का भोग तैयार है, ये पराठे और ये घी की सब्जी। ये दही है जो मैंने फेंट कर इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाला हुआ है, और ये पकौड़ी हैं कुट्टू की जो मैंने आपको बनानी बताई हैं अपनी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।